की उम्र में एमएस सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने वाली अरफा को ये जहां छोड़े 4 बरस बीत गए, लेकिन पाकिस्तान में डिजिकॉन वैली और देहात में आईटी लैब्स का ख्वाब देखने वाली अरफा की सोच आज भी जिंदा है। अरफा की इसी सोच ने जर्मनी की 28 साला जेसिका को खूब मुतासिर किया और उन्हें अरफा की करिश्माती शख्सियत पाकिस्तान खींच लाई। I was actually mesmerized by what Arfa, who's known as an IT prodigy, was way beyond then as a person. She was the true face of Pakistan. Yaadashtein jitni apni hain uske bare mein wo sari likhi hain so that usko hum ek kitab ki shakal de saken aur wo bachchon ke liye mustaqbil mein ek rehnumai ho. Aajkal Jessica duniya bhar ke liye Arfa ki yaadashtein samitne mein masroof hain. Bas ye manzar na hi manzil thi uski aasan. आखिर पर पहुंचना था उसे अगले जहां। अरफा की सवाने उम्री की चंद माह बाद रूनमाई की जाएगी। अरफा के वालिदैन अपनी बेटी की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म बनाने का इरादा भी रखते हैं। आईटी की दुनिया का दरख्शां सितारा अरफा करीम आज हम में नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी और पढ़े लिखे पाकिस्तान का ख्वाब किताबी शक्ल में बहुत जल्द मंजरेआम पर आने वाला है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ समरा अफजल, समा, लाहौर।